मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सरस्वही में स्थित शासकीय कन्या छात्रावास में कार्य करने वाले करीब 15 से 16 कर्मचारियों को पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को बड़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि सरस्वही शासकीय कन्या छात्रावास परिसर में गार्ड, किचन और रसोईया समेत अनेकों पद पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। वहीं जब ये कर्मचारी छात्रावास प्राचार्य से अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं तो उनके द्वारा कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। साथ ही छात्रावास के प्राचार्य किसी नियम कानून को नहीं मानते और गरीब मजदूर कर्मचारियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। 10 मार्च से वेतन नहीं मिली, पेमेंट में बोल रहे मिल जाएगा मिल जाएगा। और इसके बाद जब आज बोला गया कि सर हमें पेमेंट चाहिए, तो बोलते हैं कि यानी कि हम बोले कि हम वो कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि तुमको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाओगे, ताला नहीं लगाओ। हम बोले हम ताला लगाएंगे। 4 साल से लगा हूँ और मुझे यही बताया जा रहा है कि पैसा आ जाएगा। 11 महीने से पैसा नहीं मिला गया और ऊपर से तब बताया गया सर को, तो सर हमको बोल रहे हैं कि आपको दिक्कत आ रही तो आप स्कूल से निकल जाओ, स्कूल से हम निकल के जाएंगे तो किससे पैसे मांगेंगे, बोले बाहर कर्जा ले। हाँ, ये मामला संज्ञान में है। एक्चुअल में अभी तक उनका आवंटन नहीं आया है, इसके लिए कई बार मांग की गई है, कलेक्टर सर के माध्यम से डीओ लेटर भी लिखा गया है, बट अभी तक आवंटन उपलब्ध नहीं है। इवन हर VC में और दूरभाष पे भी चर्चा की गई है हेड ऑफिस से, वहाँ से ये जानकारी दी गई है कि फाइल पुटअप में है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो अलॉटमेंट दे दीजिए। इसके लिए प्रिंसिपल और कर्मचारी जो आए जाए थे उनको साथ में यहाँ बुलाया गया है, साथ में ही उनको बैठा के उनके मैटर को दोनों पक्षों को सुन के कि क्या मुद्दा था। प्रिंसिपल का कहना है कि शायद इन लोगों ने मैथ्स में ताला डाल दिया था, उसकी वजह से बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनको थोड़ा कड़ा रुख करना पड़ा, बट बुलवाया गया है दोनों को सामने से बैठ।